दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ डिजाइन। दोस्तों, 30 साइज से 48 साइज तक मैं बताऊंगा कि जो हमारा फ्रंट का जो गैप होता है किस साइज में कितना रखना है। और दोस्तों, इसमें मैं बारीकी से बताऊंगा कि किस तरह से ये स्टिचिंग होगा। तो दोस्तों, अब इसमें नेक जो होगा, नेक का भी स्टिचिंग बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो मेरा बड़ा हो सकता है तो, लेकिन इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरा बारीकी से। आप चाहे नए हो तो भी पूरा आसानी से सीख सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिए सीखने के लिए। और दोस्तों, अगर आपका आर्मोल प्रॉब्लम हो, जैसे कि आर्मोल में इस जगह पे बल आता है, या हमारा शोल्डर की साइड एक साइड जाता है, या बैक साइड जाता हो, या हमारा फ्रंट जाता हो, तो दोस्तों गले के हिसाब से किस तरह से हमारा आर्मोल कटिंग होगा, तो 26 साइज से लेके, बच्चे का साइज से लेके 48 साइज तक मैं बताया हूँ, जो आपको ऑलरेडी आई बटन पे मिल जाएगा वीडियो। दोस्तों, आपका प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो देखिए, आपको सारा प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो और आर्म होल कटिंग में, तो दोस्तों ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो में बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ दोस्तों, चार्ट बना के दिखाया हूँ, और दोस्तों मैं कटिंग करके भी दिखाया हूँ, 1 इंच गले से लेके 10 इंच गले तक का पूरा बारीकी से बताया हूँ। वीडियो बड़ा है लेकिन फुल टिप्स है दोस्तों, आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम, जो भी होगा प्रॉब्लम, सारा सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये डिजाइन सीखने के लिए सबसे पहले आपको सूट कटिंग कर लेना है, और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आप जो ये सेंटर है, जैसे मैं आप देख रहे हैं, इस जगह पे मार्जिन रखते हैं 2 इंच, ठीक है। तो इसमें हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा जो ये डिजाइन होगा तो ये मेरा आर्म होल से होगा, तो तीरा मेरा दोबारा नहीं कटेगा, ठीक है। दोबारा जैसे हम कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से कटिंग होगा, तो इसमें इस तरह से नहीं कटेंगे। वो जो स्ट्रेट कटिंग होता है, वो जब हमारा शोल्डर में पूरा स्ट्रेट होता है कट, या डिजाइन जो होता है उसमें सीधा कट, मतलब सीधा मार्जिन रखा जाता है। तो इसमें आर्म होल से है, तो दोस्तों जैसे कि हमारा साइड में फिटिंग के साइड में चौक में मैं इधर मार्जिन रखता हूँ, इधर मार्जिन रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपका तुरपे के लिए चाहिए 2 इंच, तो आप 3 इंच मार्जिन रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये साइज नॉर्मल साइज है, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो दोस्तों, इसमें 30 से लेके 35 तक जो आप ये चौड़ाई रखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, 30 से 35 तक आप ये चौड़ाई रखेंगे 7 इंच तैयार, ठीक है। अगर 35 से 40 तक है दोस्तों, तो इसमें रखेंगे 7.5 इंच तैयार, ठीक है दोस्तों। अगर आपका 40 से 48 48 तक है, तो इसमें आप रखेंगे 8 इंच तैयार, ठीक है दोस्तों। तो मैं 8 इंच के लिए मैं 9 इंच कटिंग करूँगा, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड से दे जाएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करूंगा। तो 4.5 का मैं निशान लगाऊंगा नीचे से ऊपर तक। इसको स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की मदद से। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बैक फ्रंट दोनों में डिजाइन कर रहे हैं, दोनों पल्ले को इस तरह से बिछाएंगे जैसे हमने रखा है, बैक के ऊपर फ्रंट, ठीक है, और सेंटर की तरफ हमें पूरा बराबर ध्यान देखना है, रखना है। तो दोस्तों, इसमें हम एक शेप देंगे जो इस प्रकार होगा, ठीक है। मैं 9 इंच काटा हूं, तो ये 8 इंच तैयार आएगा, तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इसका जो मार्जिन होता है दोस्तों, मैं बताया आपको, चाक में रखना होता है साइड में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें जो डिजाइन बनेगा, डिजाइन मैं ये नेक का बनाऊंगा, ठीक है, मैं फुल डिजाइन बना बताऊंगा। और दोस्तों, मैं इसमें एक लैस की मदद से ये डिजाइन बनाऊंगा, ठीक है। तो इस सीखने के लिए आपको चलना होगा मशीन पे। दोस्तों, हमने फ्रंट पार्ट लिया है, ये बीच वाला सेंटर है, ये जो हम लैस लगाएंगे, तो दोस्तों ये जो है हमारा उरेब है इस जगह पे, इसी जगह से हम शुरू करेंगे। और लैस में दोस्तों उल्टा सीधा होगा, तो इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है कि आपको लैस जो ये है, आपको इधर पलटना है या इधर पलटना है, जब ये स्टिचिंग होने के बाद,
ये किधर इधर दिखाना है या इधर दिखाना है, तो मैं इसको साइड की तरफ दिखाऊंगा। जैसे कि हमारा चौक में जो पाइपिंग वगैरह लगते हैं तो साइड जाता है, तो बीच वाला भी हिस्सा मैं साइड में ही करूँगा। तो दोस्तों ये सीधा जो है इसको हम नीचे रखेंगे लैस को, और सूट का जो है सीधा ऊपर होगा। तो लगाएंगे इसमें हम मार्जिन के बराबर, एक पूरा बराबर मार्जिन लेते हुए दबाएंगे, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान देना है लैस हमें कितना दिखाना है, क्योंकि पाइपिंग तो आप फास्ट में लगा देते हैं लेकिन लैस में आपको ध्यान देना, ध्यान से लगाना होगा। दोस्तों ये साइड के जो कली है इसको हम नीचे रखेंगे, क्योंकि इस पर हम अगर हम इसको ऊपर रख के सिलाई लगाते हैं तो ये हमारा लफ जाता है, क्योंकि इस जगह पे हमारा पूरे होता है, हमेशा इसको नीचे रखेंगे। और ये जो है ये पार्ट ये यहाँ पे आएगा, तो लेस वाला जो मैं लगाया था तो इसमें सिलाई आ जाएगा, तो सिलाई पर हमें सिलाई लगाना है। तो ये हमारा जो साइड कली है ये सीधा रहेगा और ये सीधा आपस में नीचे रहेगा आपस में इस तरह से। तो दोस्तों दोनों साइड इसी तरह से लगा लेंगे। दोस्तों हमने दूसरा साइड भी लगा लिया है लेस, और दोस्तों इस पर हमने इंटरलॉक भी कर लिया है, और इस पर एक सिलाई लगाएंगे दोस्तों। जैसे कि ये किनारी पे, जैसे कि हमें इस ये साइड मैंने फोल्ड किया है साइड की तरफ, लेस को इस तरफ किया है, तो इस पर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये बाद में हमें ऐसे ना हो, ऐसे हो जाता है, कभी इधर हो जाता है कभी इधर हो जाता है, इस पर हम सिलाई लगा लेंगे किनारी पे, ठीक है। जब हम सिलाई लगाएंगे इसको इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगाएंगे, मतलब इस तरह से खींच के लगाएंगे सिलाई, तो ये सफाई आएगा, ठीक है, क्योंकि लेस हल्का लगाने में सुकड़ जाता है, खींच पड़ता है सिलाई पे। तो खींच के सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग आएगा। तो हमने सिलाई भी लगा लिया है, और दोस्तों जैसे हमने बताया है आर्मोर पे कि इस आर्मोर से कटिंग करने में इसमें मार्जिन चाहिए हमें, ये साइड में मार्जिन चाहिए, ठीक है, हम सेंटर में मार्जिन नहीं लेंगे। तो इस तरह से होगा क्या, हमको दोबारा कटिंग करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको एक और ध्यान देना होगा, जब आप ये सिलाई लगाइएगा तो ये आपस में इस तरह से, इस पे जो सिलाई लगाइएगा ये आपस में सही से जुड़ना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए आर्म होल में, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपको कटिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने इस तरह से चेक करना है। तो देखिए दोस्तों ये पूरा सही आया है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है क्या, ये पॉइंट हल्का सा मतलब पूरा बराबर नहीं हुआ, छोटा बड़ा सा हो गया है दो सूत,
एक तो बराबर नहीं हुआ ये, तो इसको इस तरह से रखने के बाद इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। अगर मिस्टेक हो जाता है तो ठीक है दोस्तों, अगर आप पूरा बराबर करेंगे तो ये आपको काटने का भी टेंशन नहीं है, ठीक आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक गला जो काटा था, तो दोस्तों ये गला मैं कटिंग करके दिखाई नहीं, आप इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसका चौड़ाई में अक्सर दोस्तों जो नॉर्मल साइज हैवी साइज होता है 6.5 रखता हूँ मैं, और दोस्तों ऊपर 6.5 होता है मतलब 6 इंच हाफ इंच, ठीक है, और नीचे है दोस्तों 6 इंच में 2 सूत कम रखते हैं। तो इसमें हम लेस लगाएंगे, तो दोस्तों लेस लगेगा तो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा साइड में, तो ये हमारा बोर्ड जो है बोर्ड कम हो जाएगा। तो मैं 2 सूत का चौड़ाई भी बढ़ाया हूँ, इस जगह पे भी 2 सूत रखा हूँ, इस जगह पे हल्का सा गैप ज़्यादा मैं रखा हूँ, तो ये दोनों साइड से इस तरह से आएगा, ये आपस में चिपक जाएगा। तो नाप से 2 सूत आप एक्स्ट्रा करेंगे चौड़ाई में, ये लंबाई इसका दोस्तों कमर तक अक्सर हमेशा रखते हैं। तो इसको एक कपड़े पे मैं इस तरह से चिपकाया हूँ, क्योंकि छोटा गला होता है तो इस तरह से अटैच करने में इसको सिलाई लगा लेते हैं, तो ये बैठता नहीं, इधर उधर हो जाता है। तो इसके लिए हमने एक सिलाई यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे लगाई है और साइज करके यहाँ पे लगा लिया है। तो दोस्तों इस पर हम अब किनारी पे सिलाई लगाएंगे मशीन की मदद से, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके और सीधा तरफ से क्यों अंडरग्राउंड ये लेस जो होगा दोस्तों अंडरग्राउंड लगाएंगे। तो इसके लिए हम एक साइड में निशान लगाएंगे चौक से, ठीक है, और निशान लगाने के बाद सेंटर में रख के सूट का सेंटर और गले का सेंटर रख के एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे, फिर इस पर एक किनारी पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे लेस लगाने के बाद, ठीक है दोस्तों। इस पर सिलाई लगाने के बाद मार्जिन रखते हुए फिर कटिंग करेंगे, फिर उल्टा तरफ फोल्ड करेंगे। दोस्तों ये जो लेस लगाऊंगा जो उल्टा सीधा होगा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो सीधा पार्ट होगा दोस्तों वो हम ऊपर रखेंगे।
दोस्तों यहाँ पे हमारा सिलाई कट गया था, क्योंकि सिलाई जो काटते ये कपड़ा जो काटते हैं सिलाई के अंदर कटता है, लेकिन ये दिख नहीं रहा सही सही से, थोड़ा डार्क कलर है तो सिलाई भी कट गया। दोस्तों हमने जो ये सिलाई लगाई है, जो हमने ये बकरम गले को जो इसमें अटैच किया था सिलाई, फिर लगाया है ये वाली सिलाई जो हमने लगाई थी, तो जो ये सिलाई लेस लगाने में जो सिलाई आता है वो सिलाई पे ही सिलाई लगाना होगा, नहीं तो आपका ये लेस जो है अंदर ग्राउंड करने में ये कहीं दब जाएगा ज़्यादा कहीं कम दबेगा, आपको सिलाई पर ही सिलाई लगाना है, ठीक है। तो इस पर हम एक प्रेस कर लेंगे, आयरन करेंगे इस पर जो हमारा ये फिनिशिंग आए, फिर इसके इसके नीचे दोस्तों इस तरह से इसे अटैच करना है, ठीक है। इसको हम इस तरह से कर लेंगे। दोस्तों इसको हमने प्रेस करके ये जो हमने लगाया था चिपका के दिखाया था शुरू में, इसको हम लगा लिया, इस तरह से हम लगा लेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जो लगाएंगे इसके नीचे गला नापते हुए, और इसमें एक लब की सिलाई भी लगाएंगे, और इसको एक साथ हम अटैच भी करेंगे, ठीक है। तो हमने ये कर लिया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप चाहे तो इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक बटन लगाऊंगा इस तरह से, ये गैपिंग बराबर करके आप इस तरह से, दोस्तों इस तरह से आप बटन भी लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से ये बटन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा तरीका कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों जैसे हमने ये फ्रंट बनाया है, तो इस तरह से आप अगर चाहें वो आप बैक में लगाने के लिए तो बैक में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से आप, ये मैंने बाजू में लगाया है, इस तरह से आप बाजू में भी लगा लेंगे और चौक में भी लगा लेंगे चारों साइड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे नॉर्मली सूट होता है उस तरह से हम फिर स्टिचिंग कर लेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।